नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर भारतीय डॉक्टर उज्जवल पाटनी। कुछ दिन पहले इंडियन नेवी से मुझे स्पीच के लिए इनविटेशन आया। मैं तो गदगद हो गया और मैंने उनसे कहा, आपने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन भाई, एक आध युद्ध पोत दिखाओगे क्या? तो सामने से मुस्कुराते हुए कहते, आइए सर, जरूर दिखाएंगे परमिशन लेके। और इसी बीच INS विक्रांत का हंगामा चारों ओर फैला। दोस्तों, 12 अगस्त 2013 को कांग्रेस के AK एंटोनी ने विक्रांत को लॉन्च किया था और अभी 2 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको फाइनली कमीशन किया एक बड़े हंगामेदार फंक्शन में, कोचीन शिपयार्ड में। दोस्तों, एकदम आनंद का विषय, मन गदगद हो गया। क्यों ना हो, भारत उन देशों की श्रेणी में आ गया, चुनिंदा देशों की, जो स्वदेशी तरीकों से अपने एयरक्राफ्ट करियर बना सकते हैं। पूरा देश आत्मविश्वास से भर उठा, इकोनॉमी को जम के बूस्ट हुआ। मैं सब कुछ बताऊंगा अभी आपको। चारों ओर खूब हल्ला हुआ, मीम्स बनी और कुछ तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। चाइना थर्राया, पाकिस्तान कापा, अब भारत का होगा विश्व पे राज, भारत में बना सबसे शक्तिशाली युद्धपोत। थोड़ा रुक के सोचता हूं, एक और खुशी जायज है, गर्व जायज है, लेकिन दूसरी ओर इसके आगे और क्या क्या पहलू है जिस पर विचार करना है। यह इंडियन मैरिटाइम हिस्ट्री में बनाया गया सबसे बड़ा पोत है। INS विक्रांत की साइज का कोई भी युद्धपोत भारत में इसके पहले नहीं था। ये इतना बड़ा है, 5000 घरों को एक साथ रोशन कर सकता है। इसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें जो वायरिंग यूज हुई है, आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि काशी से लेके कोची तक खींच दो, इतना तार इसके अंदर यूज हुआ है। और दोस्तों, गर्व की बात क्या है कि इसको भारत की सरकारी कंपनियों ने, पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने बनाया है। उन्होंने इसको डिजाइन किया, उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ उन्होंने बनाया। 2200 कंपार्टमेंट है जिसमें खास तौर पर वीमेन सेलर्स के लिए व्यवस्था की गई है। चलिए थोड़ा इसके नंबर्स पर बात करते हैं। 262.5 मीटर लंबा है, 61.6 मीटर चौड़ा, मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स और 7500 नॉटिकल माइल्स की इसमें एंड्यूरेंस है। और दोस्तों, ये शिप अपने आप में 30 प्रकार के डिफरेंट एयरक्राफ्ट को खुद पर से ऑपरेट कर सकता है। और इसमें एक नॉवेल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड यूज किया गया है जिसको कहते हैं स्टोबार। तो इसमें क्या होता है, एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इसकी जंप सिस्टम होता है और बाद में उनको रिकवरी के लिए अरेस्टर वायर्स होते हैं। खुश हो जाओ भारतीयों, इस युद्ध पोत में 76% स्वदेशी माल लगा है, अपने देश का माल लगा है। और भाई, जब अपने देश का माल लगेगा ना, तो इकोनॉमी में बूस्ट कहां आएगा, अपने देश में आएगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 2000 एम्प्लॉई, क्योंकि जो कंपनियां इसको बना रही थी उसमें जितने भी एम्प्लॉयज है वो इसमें फुल टाइम एंगेज थे। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, आप चकित रह जाएंगे, एक करियर से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला 12,500 लोगों। कितनी फैक्ट्रियां लगी होगी, क्या सोचते हैं? 550 OEM, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, स्मॉल यूनिट्स और 100 से ज्यादा SME ने मिलकर बनाया INS विक्रांत को, और इससे लोकल इकोनॉमी को जम के बूस्ट मिला। और पूरे, सोचिए आप, पूरे करियर में कितना लोहा लगा होगा। अरे, लोहा भी बाहर से नहीं आया, ये लोहा भी भारत के नवरत्नों में से एक सेल ने पूरा का पूरा, जो DMR ग्रेड कहते हैं स्पेशलिटी स्टील, वो पूरा का पूरा भिलाई ने, बोकारो ने और राउरकेला ने मिल के दिया। दोस्तों, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे लिए ये गर्व की बात है। कम से कम अपने देश में इस लेवल की चीजों को क्रिएट करना शुरू तो हुआ। सबसे बड़ा पैसा देश का जाता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट में। जैसे जैसे हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होगा, जैसे जैसे मेक इन इंडिया होगा, जैसे जैसे आसमान से लेके जमीन से लेके पानी तक जितना कुछ डिफेंस में लगता है वो देश में बनेगा, देश की इकोनॉमी कहीं की कहीं चली जाएगी। तमाम हुल्ले हंगामे के बीच एक कड़वा सच भी है, भारत का ये युद्धपोत चाइना के सामने, US के सामने अभी कुछ भी नहीं। जब चाइना ने अपना पहला एयरक्राफ्ट करियर बनाया था, उसका नाम था शेनडोंग। 45,000 टन का विक्रांत उस शेनडोंग से भी छोटा है।
दूसरी सबसे बड़ी समस्या जिससे हिंदुस्तान को बाहर निकलना पड़ेगा और भारत के तमाम मंत्रियों को इस बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। इंडियन आईएनएस विक्रांत जब बनना शुरू हुआ तो 2009 था, और कमीशन कब हुआ? 2022 में। अरे 13 साल लग गए। अब 13 साल लग गए तो लोगों को लगेगा भाई इतने तो लग सकते हैं, लेकिन जरा कंपटीशन को भी देख लेते हैं। इससे बड़ा चाइना का शेंडोंग 4 साल में बन के तैयार हो गया, और जब 13 साल लगे ना तो खर्च भी 6 गुना बढ़ गया, और आज भी 2022 में वो तैयार नहीं है। वो एक्चुअली फंक्शनल 2023 एंड तक होगा, जब तक हम अपनी स्पीड पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी लाल फीता शाही पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम अनअकाउंटेबिलिटी पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम कॉम्पिटिटिव होने के पहले आउटडेटेड हो जाएंगे। बहुत अच्छे से समझना, यदि कोई 3 साल का प्रोजेक्ट 13 साल में पूरा होता है तो आप टेक्नोलॉजी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तब तक बहुत पीछे हो चुके होते हैं और उस प्रोजेक्ट का रेलेवेंस खत्म हो जाता है। थोड़ा पीछे पलट कर देखेंगे तो चाइना और भारत डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में लगभग एक जैसे थे। देखते ही देखते चाइना ने पूरी दुनिया को हिला दिया और बहुत तेजी से एडवांसमेंट लेकर आ गया, आत्मनिर्भर हो गया। चाइना ने जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट करियर लॉन्च किया है फुजियान, उसकी ब्यूटी क्या है, वो विक्रांत से बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट्स को होल्ड कर सकता है। जब एयरक्राफ्ट उस पर से टेक ऑफ करेंगे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के माध्यम से वो स्लिंग शॉट करता है उन एयरक्राफ्ट को, जिससे ज्यादा भारी एयरक्राफ्ट लॉन्च हो सकते हैं, जिनमें ज्यादा हथियार हो, ज्यादा फ्यूल हो। और यहीं पर विक्रांत का इसकी जंप सिस्टम मार खा जाता है, क्योंकि वहां पर जेट्स को अपने ही पावर से लॉन्च होना पड़ता है, जिससे फ्यूल कम आता है, मिसाइल्स कम लोड हो सकती है, बॉम्ब्स कम लोड हो सकते हैं। इसका मतलब वो जेट्स थोड़ी दूरी तक ही जा पाएंगे एज कंपेयर टू फुजियान, और ये बहुत बड़ा रिस्क रहेगा हमेशा हमेशा INS विक्रांत के लिए। और आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, अब जो अगला एयरक्राफ्ट करियर चाइना बना रहा है, जिसमें उसने 5 साल का वक्त लेना तय किया है, वो न्यूक्लियर पावर्ड होगा, और इसके साथ ही चाइना विश्व भर में राजा हो जाएगा। दुनिया की कोई नेवी चाइना से बेहतर नहीं रहेगी, मतलब चाइना सेकेंड टू नन हो जाएगा। यहां पर अब भारतीयों को जागना होगा, अब हमें ज्यादा स्पीड से, ज्यादा एग्रेसिव होकर, ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी वाले, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट करियर्स और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब चाइना जैसा दुश्मन इतना चिपक कर बैठा हो तब सांस लेने और आराम करने की जगह नहीं हो सकती। और अब सारी राजनीति भूल जाना चाहिए भाई, कांग्रेस ने उसकी नींव रखी, बीच में इतनी सरकारें आई, सब ने फंड सैंक्शन किए, कोई बाधा नहीं बना, फाइनली मोदी जी ने लॉन्च किया। अरे छोड़ो ना यार, किसने लॉन्च किया, किसने नींव रखी, क्या फर्क पड़ता है। जिसने किया वो भारतीय, जिसके लिए किया वो भारत है, जिसकी सुरक्षा होगी वो भारतीय है, जिसने बनाया वो भी भारतीय है, और जिसकी शान बढ़ेगी वो भी भारत है। अब राजनीति वाजनीति छोड़ के एक मिशन की तरह लेके देश को आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी दिल की गहराई से हर उस व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं जिसने INS विक्रांत बनाने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रोल निभाया हो। और ये केस स्टडी, छोटी सी केस स्टडी हमने उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर इसलिए रिलीज की क्योंकि बिजनेस और लाइफ से पहले देश आना चाहिए, और जब देश कुछ करता है ना तो देशवासियों को गदगद फील करना चाहिए। हम अपने घरों में आराम से इसलिए बैठे हैं क्योंकि कोई सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहा है, कोई आकाश में हमारी रक्षा कर रहा है, और कोई जल में हमारी रक्षा कर रहा है, नहीं तो यूं मुस्कुराते नहीं बैठ सकते थे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।